नमस्कार। तो दिल्ली से मनोज तिवारी जी सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं और ऑलरेडी सांसद भी है मनोज तिवारी जी। तो कल एक इंटरव्यू का वीडियो जो है, क्लिप वीडियो का काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, मनोज तिवारी जी का है। एक पत्रकार को इंटरव्यू दे रहे होते हैं मनोज तिवारी जी, तो उनका क्लिप जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें मनोज तिवारी जी की बातचीत जो है उस पर काफ़ी लोग गौर कर रहे हैं, क्योंकि बातचीत काफ़ी आपको हैरान भी करेगी भाई। तो दरअसल आपको मैं पत्रकार के और मनोज तिवारी के बीच में जो बातचीत हुई है, पहले तो मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ क्या बातचीत हुई है, तो सुनिए। पत्रकार कहते हैं, तो 10 साल हो गया सरकार को, तो 10 साल हो गया आपको सांसद बने हुए। जिसके बाद मनोज तिवारी जी कहते हैं, और तीसरे कार्यकाल में इस क्षेत्र में हम हर घर की कीमत को 3 गुना कर देंगे। तो जब मनोज तिवारी जी ऐसा कहते हैं कि हर घर की कीमत को 3 गुना कर देंगे, जिसके बाद रिपोर्टर कहता है, पर यह तो गलत हो जाएगा। जिसके बाद मनोज तिवारी जी कहते हैं, क्यों? रिपोर्टर कहता है, मान लीजिए आप पूर्वांचल से कोई लोग आएंगे तो कभी घर ही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि घर की कीमत 3 गुना हो जाएगी, इस तरीके से रिपोर्टर कहता है। जिसके बाद मनोज तिवारी जी कहते हैं, थोड़ा इसमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद, और जिसके बाद रिपोर्टर आगे की बात करने लगता है। रिपोर्टर कहता है, सोच के बोल दीजिए, मैं आपको बात बताऊं, इधर हाथ दीजिए। जिसके बाद मनोज तिवारी जी उसके सामने हाथ लेके आते हैं। एक सवाल आया है मेरे मन में, 80 करोड़ लोगों को आप अनाज वितरित करते हैं और 25 करोड़ से आप गरीबी से बाहर निकाल दिया है, यानी कि आपने 25 करोड़ को गरीबी से बाहर निकाल दिया है और 80 करोड़ को आप अनाज वितरित करते हो, तो 80+20 105 करोड़ के आसपास, यानी 140 में से 105 करोड़ लोग गरीबी में जी रहे हैं, इस तरीके से रिपोर्टर पूछता है। जिसके बाद मनोज तिवारी जी कहते हैं, नहीं नहीं, अनाज जिनमें मिल रहा है ना वो BPL बोलते हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, कि एक थोड़ा इसमें भी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। इस तरीके से मनोज तिवारी जी दोबारा कहते हैं कि इसमें भी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। जिसके बाद रिपोर्टर हंसता है, थोड़ा सोच के बोल दीजिए, हंसते हंसते बोलता है कि थोड़ा सोच के बोल दीजिए। जिसके बाद रिपोर्टर कहता है, कंफ्यूजन की बात नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हालांकि दोनों के बीच में जो बातचीत थी वो काफ़ी मज़ेदार थी भाई, अगर आप उस किस्से को सुनते हो ना तो आपको हंसी आएगी और आपको सुनना चाहिए। इसलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर आप क्लिक करना और तो आपको उस किस्सा मिल जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय भी हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।